तो भाई लोग, आज हम आए हैं बड़े सदियों बाद बुली के गेम प्ले में। अब यार तुम कहोगे कि भाई ऐसा क्यों, क्या हो गया था भाई, कहाँ हिलाया चला गया था। तो मैं देखो तुम्हें बताता हूँ, ऐसा गाली वाली बकने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ हुआ क्या था भाई। मैंने मतलब ऐसा था, वीडियो रिकॉर्ड करी थी बुली की, तो उस टाइम पे मेरे इसमें पता नहीं भाई क्या गड़बड़ आई, क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो भाई वो मेरी जो वीडियो थी वो पूरी की पूरी बेकार हो गई, एक वीडियो। उसके बाद भाई मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी उसे फिक्स करके, उसमें दूसरी गड़बड़ आ गई और उस वीडियो की माचूदगी। तो बेसिकली मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं भाई बावला हो गया था बिल्कुल। मैं समझ में नहीं आता भाई क्या करूँ मैं यार। मतलब भाई दो दो वीडियो में तुमने गांड तक के जो लगा के मेहनत करी हो, फिर भी भाई ख़त्म सब। खैर क्या ही कर सकते हैं। और भाई ये जो गेम है ना बुली, ये भाई ऐसा भी नहीं है कि तुम इसमें कोई पर्टिकुलर मिशन है तो भाई उसे वापस से खेल लो, नहीं ऑप्शन ही नहीं है भाई। तुम मतलब अगर एक बार आगे निकल गए तो भाई गाड़ी गई, ख़त्म, बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें वापस से भी नहीं खेल के दिखा सकता कोई मिशन इसका जो वैसे स्किप हो गए उस वीडियो में। लेकिन मैं तुम्हें उनकी स्टोरी बता देता हूँ कि भाई स्टोरी पहुँची कहाँ तक है, हुआ क्या क्या अभी तक। तो भाई लोग, पिछले वाली वीडियो में हमने अंग्रेजी वाले मास्टर की नौकरी बचाई थी और थोड़े बहुत कुंफू कराटे भी सीखे थे। तो उसके बाद में हमने क्या है, एक बंदा तुम्हें याद होगा जब सेकंड चैप्टर शुरू हुआ था ना, तुमसे मिलने आया था वो, मतलब नीला स्वेटर, अमीर पार्टी वाला। तो वो हमारे से कह गया था कि भैया तुमने रसल को हराया है और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तुम कितने तकड़े बंदे हो और तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में आ जाना। तो हमने कहा था ठीक है। तो भाई हम उसकी बॉक्सिंग रिंग में गए थे और हमने भाई वहाँ पर लड़ाई वड़ाई करी थी तीन बंदों से। और उसके लिए क्या था, उसमें प्राइस जो था उसे जीतने के लिए हमें उस बॉक्सिंग क्लब का मेंबर बनना पड़ता। काफ़ी बड़ा प्राइस था, कैश प्राइस था। तो लेकिन हम मेंबर थे नहीं, तो भाई उन्होंने ऐसा नहीं है कि भाई हमें ऐसे भगा दिया, उन्होंने कहा भैया तुम मेंबर नहीं हो, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो भाई हमें क्या, उसके बदले में एक भाई बहुत तकड़ा घर मिला था, मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो लग्जरी हाउस बीच की साइड में। भाई एकदम मज़ा आ गया था सही बताऊँ तो। लेकिन मैं तुम्हें वो वीडियो नहीं दिखा सकता, भैया क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो घर तुम्हें जो दिखा दूंगा मैं, हाउस टूर जो है करवा दूंगा। और भाई हम ऐसे ही घूमने गए हुए थे तो हमें एक मूवी थिएटर के पास में एक लोंडे मिली थी, वो भाई पापा की परी थी। उससे मतलब ये था कि भाई सब उसके लिए काम कर रहे हैं, भाई प्रिंसेस कतई। तो भाई उसकी प्रॉब्लम क्या थी पापा की परी की, कि वो लाइन में लास्ट थी और भाई उसे चाहिए था सबसे पहले मूवी का टिकट, और मतलब टिकट ख़त्म भी हो जाता जब तक तो उसका नंबर आता, तो ऐसा सीन था। तो हमें भाई बंदों से पंगा वंगा करके भाई हम भाग लिए वहाँ से, तो सारे बंदे हमारे पीछे भाग ले और भाई उसे लाइन में जगह मिल गई। तो उसके बदले में हमें थोड़ी बहुत किस भी मिली थी। तो भाई उसके बाद में हम उसे मेले में घुमाए ले गए थे और वहाँ पे हमें बहुत सारे टास्क करने थे, बेसिकली बहुत सारे गेम्स खेलने थे। उसके बदले में हमें टिकट मिले, उन्हें एक्सचेंज करके हमने भाई उसके लिए एक टेडी लिया था। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे, और मैं सबसे पहले ना तुम्हें बीच वाला हाउस दिखाता हूँ अपना। मतलब यार एक बॉक्सिंग मैच लड़के भाई एक पर्सनल घर मिल गया हमें भाई, मतलब यार मुझे भी लड़वा दो ऐसे बॉक्सिंग मैच भाई, पेल पाल तो दूंगा मैं भी किसी को, ऐसी बात नहीं है। अगर घर मिलने की बात होगी तो क्या टेंशन है यार, एक पूरा भाई बड़ा घर। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग हम उठ गए अपने घर में, और भाई देखो यार क्या मस्त घर है, अंदर से मैं तुम्हें इसका टूर करा दूँ। भाई पहले ये भाई बालीगढ़ का किवाड़ है, इससे तो बाद में निकलेंगे। और भाई यहाँ पे ताश वाश खेल सकते हैं बैठ के, लेकिन हमें कोई ऐसा शौक नहीं है। और भाई यहाँ पे, और भाई एक बढ़िया चीज़ देखो, जैसे हम इसके ऊपर कूद रहे हैं ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दो मिनट दो मिनट, देखो भाई जैसे हम ये कूदे भाई टेबलों के ऊपर, तो भाई टेबल फूट गई या मतलब ऐसा सही बताऊँ तो डिस्ट्रक्टिव सामान वाला सिस्टम जो है वो GTA 5 में भी नहीं है। और भाई इतने पुराने गेम में अगर ऐसा सिस्टम मिल रहा है तो भाई काफ़ी सही चीज़ है सीरियसली बताऊँ तो। और यहाँ पे ये है कोल्ड ड्रिंक की मशीन, अबे भाई पैसा गिरो कोल्ड ड्रिंक निकाल लो मस्त। और ये भाई उस ज़माने का गेमिंग PC, उस टाइम पे भाई ऐसे गेमिंग PC होते थे, ठीक है। तो उस ज़माने का गेमिंग PC भी मिल रहा है यहाँ पर एकदम तकड़ा था। और ये देखो देखो जैसे टूटा भाई, तो इसके अंदर से मिला है डंडा में, Don't cross me now. ये देखो भाई लकड़ी टूट के भाई डंडे मिल रहे हैं मस्त एकदम, कहीं डंडे से किसी को पेल लेंगे अभी। और भाई यहाँ पे एक सोफ़ा है, ये लाइट है, लाइट खोल देता हूँ। और भाई ये है अपना पलंग मस्त सोने के लिए, और ये है फायर प्लेस भाई आग वाग जलाने के लिए, भाई जड्डा बहुत पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो आग वाग जलाने के लिए बीच साइड कर रहे हैं, वैसे तो इतना जड्डा पड़ता नहीं है लेकिन फिर भी। बाहर से दिखाऊंगा ना भाई जब मैं तुम्हें घर, तुम्हारी भाई गांड फट जाएगी देख कर, सही बता रहा हूँ। ये देखो भाई एक भाई पर्सनल रास्ता, चलो भाई सब पेलते हैं पहले इससे। हाँ भैया कुछ दिक्कत विक्कत है क्या, मुझे अपना लट्ठा टेस्ट करना है। ले भाई ले ले, लट्ठे टूट गया भाई, इतना फोड़े इतना फोड़े इतना फोड़े कि लट फूट गया। तो चलो भाई ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो भाई ये तो एक पर्सनल रास्ता है, छोटा सा रैंप टाइप है यहाँ से ऊपर ऊपर आने के लिए। और भाई ये भाई बीच तक जाने के लिए अगर मतलब ऐसे गुलाटी उलाटी मार के जाना हो ना भाई सीधा समुद्र के अंदर,
भाई कोई टेंशन नहीं है, जा सकते हैं आराम से। Another one for the collection. ये देखो भाई घर का दूसरा लुक, ये लाइट हाउस भाई काफी सही चीज है, सही बताऊं तो भाई नेक्स्ट लेवल घर है भाई। ठीक है भाई, तो हम आए हैं वापस से बॉक्सिंग रिंग पे, यहाँ पे भाई कोई मिशन विशन है अपना, चल के देखते हैं अंदर। अच्छा तो भाई अभी क्या है, हमें इनके जैसे कपड़े लेके आने पड़ेंगे, अभी बॉक्सिंग क्लब में शामिल करने वाला है हमें, हमारी अच्छी बॉक्सिंग स्किल्स को देख के। तो भाई हमें कपड़े लाने पड़ेंगे इनके जैसे भाई, नीले स्वेटर, तो चलते हैं लेने, साइकिल इन्हीं की माली भाई। ठीक है भाई, तो हम आ गए हैं फोटोग्राफी क्लास में पहली बार। अच्छा तो भाई जहाँ पे भी ये झंडे हैं ना, हमें उनकी फोटो लेनी है। सही है, कैमरा अपने पास है भाई, हमें एक मिशन करके मिला था। पीछे से चलते हैं थोड़ा सा भाई, एकदम तकड़ा गांड फाड़ एंगल लेंगे। ठीक है, सही है भाई, ठीक भाई तीन फोटो बाकी है, तीन फोटो लेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल ऊपर टॉप पे उसी फोटो लेते हैं। ठीक है भाई, भाई टेलीस्कोपिक जूम लगा आराम, तुम बैड फोटो बता दो भाई, ऐसे चलेगा। अरे मेरे पास ही आ गई यार, तो भाई यहां से टेलीस्कोपिक जूम लगा के खींचेंगे, देखो भाई गांड फाड़ फोटो। अरे आ गई भाई, आ गई। ठीक है तो भाई हमने सारी फोटो खींच ली है, अब फटफट चल के भाई दिखा देते हैं मास्टर को। नाइस वर्क, पास हो गए भाई। एक फोटो तो अंदाज से खींची थी भाई, इसमें झंडा पूरा भी नहीं आया था। ठीक है, अरे भाई कुछ नहीं भाई, एक फोटो एल्बम इन लोग को, ये मतलब क्या है, पहले हम किसी फोटो खींचते थे कुछ नहीं होता, अभी जो हम फोटो खींचेंगे भाई वो सेव हो जाएगी फोटो एल्बम, बस इतना सा। वो एक काम करें भाई, इस मोटे के नुनू का फोटो खींचते हैं, मजा आएगा। हाँ भाई मोटे, अरे तेरी तो चैन खुली पड़ी है भाई, ये क्या है चैन खोल के डोलता है बंदा मोटा भाई। पेंट वाला, पेंट वाला तो भाई चैन बंद करके घूम रहा है, कच्चे वाला तो सारा चैन खोल के घूम रहा है भाई। सोचो थोड़े बहुत दिन में हमने ऐसे 100-200 फोटो इकट्ठे कर लिए, लोग हमें क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं लोग ऐसे फोटोग्राफर को, लवड़ा का फोटोग्राफर है तो सैड। अरे पुलिस भाई, इतनी सी बात पर साइकिल ही तो मारी है, अब एक दो जगह खुलोगी यार, मतलब चलता है साइकिल क्या यार भाई, साइकिल के पीछे पीछे पड़ गए भाई। तो हम कपड़े की दुकान पे आ गए हैं, फटफट से भाई कोई ढंग के कपड़े देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार अपना लुक भी चेंज कर लूँ, मतलब ऐसा बकचोद लुक बहुत हो गया, कुछ बढ़िया सा करते हैं यार, मतलब तगड़े से कपड़े वपड़े पहनेंगे। ठीक है, एकदम अमीर आदमी बनेंगे अब तो भाई। अभी हम पूरे अंधेरा कायम रहे लुक में हैं। ठीक है भाई, टोपी भी काली, बुसेट भी काली भाई, पतलून भी काली, जूते भी काली, सब काला भाई, अंधेरा फुल कायम रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो हमने कपड़े खरीद लिए हैं बॉक्सिंग रिंग वालों जैसे भाई, जर्सी खरीद ली हमने नीली जर्सी। ठीक है भाई, तो अभी हम यहाँ पे आए थे बॉक्सिंग क्लब में, हमने सोचा भाई कोई मैच वैच करने को मिलेगा हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और एक अच्छी बात है कि इसके लिए हमें टाइम नहीं मिला, टाइम लिमिट नहीं मिली। ठीक है, तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। तो भाई हम बॉक्सिंग क्लब में गए थे, हमने सोचा कि भाई पिछली देर बाइक कोई मैच वैच होगा मस्त, भाई घर मिला है इस बार, अब की बार कार लैम्बोर्गिनी मिलेगी। ठीक है, ये जो सारी सस्ती गाड़ी घूमनी है सड़क पे भाई, ख़त्म, लैम्बोर्गिनी चलाएंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी हमारी भाई उस बंदे से बात हुई थी जो इस बॉक्सिंग क्लब का भाई सबसे बड़ा बॉस है, तो उसने कहा था कि तो भाई वो जो है, वो जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर भाई रिवेंज लेना चाह रहा है अपना, और उसके यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी है, उसके भाई पार्टी में हगने वाला है, वो नाश मचाने वाला है दबा के ढंग से, और हमें उसमें उसकी हेल्प करनी है। तो भाई करते हैं हेल्प, क्या टेंशन है, और उसके लिए हमें सबसे पहले भाई अंडे लाने पड़ेंगे उसकी पार्टी में, भाई अंडे अंडे कर देंगे सारे में, बसा देंगे अंडे। ठीक है, तो भाई वो बड़ी अजीब तरीके से अंग्रेजी बोल रहा था, तो हमने कहा कि भाई तुम असली अंग्रेज हो ना, मतलब अंग्रेजी बोलते आओ ना बचपन से, हो गया नहीं, मतलब देखो ऐसा है, मैं ऐसे बच्चों की तरह अंग्रेजी से बोलता हूँ, क्योंकि उसका जो बाप है वो भाई सेल्फ मेड है, मतलब उसका बाप गरीब आदमी था पहले, फिर भाई अमीर हो गया। ठीक है, इस टाइप का है, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है लोगों को जैसे वो खानदानी अमीर है भाई, उसका बाप दादा परदादा भाई सात पुस्ते अमीर। ठीक है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए वो थोड़ा सा एनजी फैनजी बोल के अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, खैर हमें उसकी अंग्रेजी से क्या ही समस्या, हमें तो भाई प्रिंसिपल की पार्टी में हगना है। चलो भाई साइकिल बड़ी पा गई यहाँ पे, फ्री की साइकिल उठा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, इसकी गाड़ियाँ काट फोड़ दिया हमने साइकिल से, नेक्स्ट लेवल बकचोदी है यार। Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro. अरे भाई बकचोद साला बहन का लोड़ा। You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. फिर तो भाई कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है उनके साथ। अरे 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 बहन चो मैटर नहीं करना, गांड फाड़ दूंगा। अच्छा बॉक्सर, रुक तेरा तेरी है बॉक्सिंग, बॉक्सर है तू, ले 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 बेटा ले,
अरे भाई इसने दे दिया मैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे ये तो गलत ही साहब बॉक्सिंग चालू है। हाँ आ जा ले ले भाई, गाली बकेंगे गाली। चलो भाई चलो 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 चलो, ये साले अंडे मार रहे हैं, इनके अंडे ही फोड़ूंगा बेटा। तेरे अंडे गए आज, आज तेरे नहीं मुर्गी वाले नहीं भाई, आज तेरे वैसे अंडे फोड़ दूंगा मैं। ये ले ये ले बेटा। ओ भाई ये तंगड़ी मारी और ये भाई गाली बकनी जरूरी है। चलो ये वो देखते हैं कौन है, ये भोसड़ी का ऊपर से कौन अंडे मार रहा है, इसके अंडे ही फोड़ दूंगा मैं यार। मैं देखो तुम्हें कहानी थोड़ी सी अभी दे बताता हूँ अभी यार, मैटर हो गया देखो, मैटर सुलझाना जरूरी है। हाँ बेटा आ जा। अरे यार गलत दिशा में बॉक्सिंग करते हो भाई तुम, रुक जा। एक लात ले भाई भर के। ओ भाई आ जा आ जा बेटा आ जा, मजे मजे आ गए मजे। दौड़ू भाई, कहाँ 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 है। अच्छा तो भाई ये ऊपर चढ़ के मार रहा है इसकी तो, रुक जा थम जा गुल्ले निकालने दे साले। ले बेटा आ जा। हाँ मैटर करना है ना तुझे, आ जा कर मैटर बहुत सी। ठीक है तो भाई अभी थोड़ी सी शांति है, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। तो भाई अभी इसके लिए अंडे वंडे लेके आए थे प्रिंसिपल की पार्टी फोड़ने के लिए, और ये भाई उसी बंदे का घर है जो बॉक्सिंग क्लब का सबसे बड़ा बदमाश है। ठीक है उसी का है बॉक्सिंग क्लब, उसी ने हमें भाई वो घर भी गिफ्ट करा था। तो भाई उसका नाम है टेड। तो भाई वो हमारे से कह था कि हम उसके परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और हाँ आ जा। उसकी आंटी वंटी को कुछ कह रहे हैं कि भाई उसकी जो मम्मी है वो असल में उसकी आंटी थी, ऐसा हम कह रहे हैं। तो भाई ये बात हमने नहीं कही थी बेसिकली, ये बात कही थी गैरी ने, वो साला बकरी छोड़ फालतू की बकचोदी फैला रहा है हमारे बारे में, सबका मैटर वेटर करा रहा है हमसे। तो खैर उसकी तो गार्ड मारेंगे, लेकिन इससे पहले इसे देखना जरूरी है। आ जा बेटा आ जा आ जा आ जा, रुक जा। You won't catch me, Hopkins. हाँ ये ले बेटा तंगड़ी मारी और ये ले पट से हेडशॉट। साले साले बकचोदी करेगा भाई सब कह रहे बॉक्सर बनने के सपने छोड़ दे। अरे तोड़ो भाई इसकी गांड तोड़ो, साला बहुत फालतू बोल रहा था। ठीक है तो भाई अभी हम बाहर निकलते हैं, हट जा भाई। भाई जान से ड्राइविंग सीख गए हम, नीचे वाले फ्लोर पे गए क्लास। अरे भाई बेमतलब ऊपर आ गए, कोई नहीं भाई सुपरमैन का छोटा लन्नू इतनी ऊपर से कूद के भी लंड कुछ पहन नहीं पड़ा। ठीक है भाई तो हम केमिस्ट्री क्लास में आ चुके हैं, उसमें तुम्हें पता है फटफट करना होता है, तो ध्यान से करूंगा मैं, बात नहीं करने वाला तुमसे। ठीक है तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। ओ भाई हो गया फाइनली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओ भैया विश्वास नहीं हो रहा मुझे सही में के हो भी गया सकता है, इज इट इवन पॉसिबल। और भाई जितना मुश्किल काम है उसी हिसाब से हमें इनाम भी मिला है, लेकिन उससे पहले मैं गेम को सेव कर देता हूँ जिससे कि मेरे इनाम के लोड़े ना लगें। ठीक है तो खैर इनाम ये है कि भाई हमें अभी बम बनाना आ गया है, और एक केमिस्ट्री सेट हमारे कमरे में रखवा दिया गया है। तो भाई जब भी बम की जरूरत हो अपने कमरे में जाओ मस्त, एक बम बनाओ बजा दो किसी में भी। तो भाई बम इसके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, बम इसका क्या कर सकता है इसी का नमूना मैं तुम्हें अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं सही बताऊँ मेरी भाई गांठ फट चुकी है वीडियो बनाने में। भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है दुनिया भर की, एसी में कमरे में है नहीं, पसीना आ रहा है तुम्हें पता है, बाहर डंडी रोना है, लेकिन यार डंडी रोना मैं भी कई बार कर चुका हूँ। ठीक है मतलब मेरे लिए भी हर बार का डंडी रोना है कि भाई इतनी गर्मी में गांठ फटना। खैर आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, तुम्हें अगर मज़ा आया हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। या देखो दो वीडियो के भी मेरे नाश हो गया भाई, देखो कर दिया करो। ठीक है पैसे नहीं लगते यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और हम मिलते हैं बाकी तो अगली वीडियो में।